हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 24 HTML इन हिंदी चैनल। इस लेसन में सीखने वाले हैं हम SVG टैग, यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। अगर हम HTML के अंदर ग्राफिक्स ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, लाइन, और उसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखनी है सर्कल के अंदर या पॉलीगॉन के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, तो यूजिंग SVG टैग हम ये सब कर सकते हैं। ग्राफिक्स डिजाइन हम कर सकते हैं HTML के अंदर। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा svg/svg। ओके, तो इस तरह से हम SVG टैग लिखेंगे, svg/svg करके। तो उसका हमें विड्थ एंड हाइट देना होगा। सबसे पहले विड्थ इक्वल टू हम यहाँ पे देंगे 200, हाइट इक्वल टू 200। ओके, तो ये जो विड्थ और हाइट दी है उसके हिसाब से एक रेक्टेंगल एरिया बनेगा जिसमें हम ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर हमें ग्राफिक्स ड्रॉ करना है, ये जो हमने एरिया डिफाइन किया है विड्थ और हाइट वाला एरिया उसके अंदर। तो सबसे पहले हम उसके अंदर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल के लिए लिखना है हमें सर्कल। ओके, और सर्कल के अंदर हमें पता है कि सर्कल का रेडियस देना होता है और सेंटर पॉइंट देना होता है। तो सेंटर पॉइंट के लिए हमें लिखना होगा सेंटर CX। ओके, इक्वल टू 100, CY इक्वल टू 100, यानी कि ये सेंटर पॉइंट हो गया X एंड Y, X 100, Y 100। ओके, तो ये 100 100 जो है वो सेंटर पॉइंट हुआ सर्कल का। R इक्वल टू, यानी कि रेडियस हमें देनी है, फॉर एग्जांपल 80 दे देते हैं, तो सर्कल की रेडियस हो गई 80 पिक्सल। अब हमें सर्कल के अंदर कलर फिल करना है, तो उसके लिए फिल एट्रीब्यूट यूज होता है। फिल इक्वल टू येलो ग्रीन कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम देंगे येलो। ओके, फिल इक्वल टू येलो। तो इतना हम टाइप करके इसको हम सेव करेंगे लेसन 24.html से, और चलिए इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट कैसा आएगा। ये है लेसन नंबर 24। ओके, ये देखिए, ये बड़ा वाला सा सर्कल आ गया, और ये एरिया हमने डिफाइन किया है 200 200, उसके अंदर सर्कल आ जाएगा ऐसे। तो अब सर्कल जो आया है उसकी जो बॉर्डर है उसका जो हमें कलर देना है, तो उसके लिए स्ट्रोक यूज होगा, STROKE। स्ट्रोक इक्वल टू स्ट्रोक, इसका मतलब है कि उसकी बॉर्डर है उसका कलर कैसा देना है। तो फॉर एग्जांपल हम ग्रीन देते हैं यहाँ पे, स्ट्रोक इक्वल टू ग्रीन। तो आप देखिएगा कि उसका बॉर्डर कैसे चेंज होता है। देखिए, ये बॉर्डर जो है वो ग्रीन कलर की आ गई। ओके, और बॉर्डर जो है स्ट्रोक उसका अगर हमें विड्थ देना है, तो यहाँ पे लिखिए stroke-width इक्वल टू करके, यहाँ पर हम विड्थ देंगे, स्ट्रोक की विड्थ 3, 4 या 5 जैसे आप दे सकते हैं पिक्सल में। तो ये बन गया स्ट्रोक, यानी कि बॉर्डर कलर, स्ट्रोक विड्थ यानी उसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी। ओके, अब देखिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये सर्कल आ गया और उसके अंदर कलर आ गया येलो फिल, और इसका स्ट्रोक जो है यानी बॉर्डर वो हो गया ग्रीन कलर का, और उसकी विड्थ भी चेंज हो गई अप टू 5 पिक्सल। ओके, तो ऐसे हम SVG के अंदर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सर्कल देन डिफाइन करें सेंटर पॉइंट X Y, देन रेडियस दे दे 80 पिक्सल, स्ट्रोक इक्वल टू ग्रीन मतलब उसका बॉर्डर है ग्रीन कलर का हो जाएगा,
स्ट्रोक का विड्थ यानी कि बॉर्डर की विड्थ, फिल यानी सर्कल के अंदर कौन सा कलर फिल होगा। ओके, तो इस तरह से हम ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए अब देखते हैं कि रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम ये कॉपी करते हैं, नीचे दूसरा एसवीजी लेते हैं और यहाँ पे सर्कल की जगह रेक्टेंगल का कोड लिखेंगे। ओके, तो रेक्टेंगल एकदम सिंपल है, यहाँ पे लिखे सिर्फ RECT यानी कि रेक्टेंगल, उसकी विड्थ और हाइट देनी है। विड्थ इक्वल टू 100, हाइट इक्वल टू 100। ओके, तो विड्थ और हाइट वाला रेक्टेंगल ये बन जाएगा। स्ट्रोक दे देते हैं, स्ट्रोक यानी बॉर्डर का कलर ग्रीन। ओके, स्ट्रोक विड्थ भी दे सकते हैं, स्ट्रोक विड्थ इक्वल टू 5 देते हैं, ऊपर दिया था वही। ओके, और फिल देते हैं, फिल इक्वल टू ग्रीन येलो कोई भी दे सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल पिंक दे देते हैं। चलो, ओके सॉरी येलो ही रखते हैं, येलो। ओके, तो इस तरह से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल का विड्थ एंड हाइट देना होता है, स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक का विड्थ और फिल कलर। ओके, तो आइए इसको अब रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश, तो ये देखिए ये आ गया दूसरा SVG, जिसमें हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ये पहला SVG है, ये दूसरा SVG है। ओके, अब हम तीसरा SVG लेंगे, उसमें लाइन ड्रॉ करेंगे कि लाइन कैसे ड्रॉ होती है SVG के अंदर। ये तीसरा SVG ले लिया हमने और यहाँ पे हमने लाइन का कोड लिख दिया, लाइन। ओके, लाइन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देना होता है। तो x1 इक्वल टू, ये स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया हमने 5, x1 एंड y1। तो x1 y1 पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा लाइन का, x2 y2 पॉइंट जो है वो एंडिंग पॉइंट होगा। ओके, 100 y2 इक्वल टू 100, और इसमें भी हम स्ट्रोक फील वो सब दे सकते हैं। तो यहां से हम कोड को कॉपी करेंगे इतना और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, तो ये देखिए हमने लाइन का कोड लिख दिया, लाइन x1 y1 5 5, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है 5 5 होगा, और x2 y2 100 100, लाइन 100 100 के ऊपर एंड होगी। यानी कि लाइन जो है 5 5 से लेके 100 100 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करेगी लाइन। ओके, स्ट्रोक इक्वल टू ग्रीन यानी कि कलर, बॉर्डर कलर, इसका जो स्ट्रोक है वो स्ट्रोक विड्थ 5 और येलो कलर। ओके, फिल इसमें हम फिल नहीं देंगे तो भी चलेगा। ओके, इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको। अब देखिए इसका आउटपुट। ओके, तो ये तीसरा SVG आ गया, उसमें हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो इस तरह से सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और हमें टेक्स्ट अगर लिखनी है, ओके, तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके लिए हम एक और SVG ले लेते हैं। ओके, टेक्स्ट एकदम सिंपल है वो, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट स्लैश टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे लिखो कोई भी टेक्स्ट, हेलो वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पर हमें टेक्स्ट का एक्स एंड वाई पोजीशन देना होगा। ओके, एक्स एंड वाई यानी कि टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, तो हमें 5 और 5 देते हैं, यानी कि 5 5 पॉइंट से टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड स्टार्ट होगी। ओके, तो ये देखिए हमें अब इसको रिफ्रेश करना होगा। देखिए ये आ गया दूसरा हेलो, हेलो वर्ल्ड। ओके, हमने 5 5 से स्टार्ट किया था, इसलिए ये कैरेक्टर आधे दिखाई देते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे
फिफ्टी फिफ्टी कर देते हैं, फिफ्टी फिफ्टी, ओके। तो वो जो टैक्स है वो फिफ्टी फिफ्टी से स्टार्ट होगी। हेलो वर्ल्ड अगेन, ओके। तो इस तरह से हम एसवीजी के अंदर अलग अलग शेप बना सकते हैं, इसके अंदर हम पॉलीगॉन भी बना सकते हैं अगर हमें हमारा मन चाह शेप देना है तो, ओके। और एक बात और है कि हमने अलग अलग एसवीजी लिया, इसमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, लाइन टेक्स्ट ड्रॉ करने के लिए। अगर हमें एक ही एसवीजी में ये सब करना है तो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमने टेक्स्ट लिखी है उसको हम कॉपी करते हैं और सर्कल जो लिखा है उसके नीचे पेस्ट करते हैं, ओके। और हेलो वर्ल्ड की जगह पर हम लिख देते हैं यहाँ पे सर्कल सेव, ओके। इसको रिफ्रेश करेंगे हम तो ये देखिए आ गया सर्कल सेव उसके अंदर। तो इस तरह हम कोई भी शेप एक दूसरे के अंदर एक ही एसवीजी में कितने भी शेप आप बना सकते हैं, ओके। अगर हमें रेक्टेंगल यहाँ पे कॉपी करना है तो रेक्टेंगल भी आ जाएगा, सर्कल टैक्स सभी एक एसवीजी में भी आ सकता है, ओके। तो इस लेसन में सिर्फ इतना ही, ये एसवीजी टैग। अगर आपको और भी एसवीजी टैग के बारे में जानना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। एसवीजी टैग में बहुत सारे ग्राफिक्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं, तो अगर आपको जानना है तो गूगल सर्च कीजिए। इस स्टेशन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।